गाजर का रहता है। हमने ये आधा केजी गाजर लिया है, इसे अच्छी तरह से छीलकर धोकर कद्दूकस कर लिया है। ये 5 हरी मिर्च हमने लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है। कुछ धनिया पत्ते को हमने धो करके बारीक कट कर लिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे गर्म होने के। एक कढ़ाई को हमने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें कटे हुए मिर्च को हम डालेंगे। साथ ही इसमें हम 1 छोटी चम्मच छोटी राई या सरसों कह सकते हैं उसको हमने डाला है। 1 पीस हिंग डालेंगे। इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। ये अच्छी तरह से चटक चुका है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गाजर को डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे। इसे हमने अच्छी तरह से चला दिया। इसे ढक करके हमें मीडियम आंच पर बिल्कुल 5 मिनट पकाना है। बीच में 1-2 बार हम चला देंगे। 5 मिनट हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल इसका कच्चापन हमें दूर करना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। ये हमने 1/2 केजी दही लिया है। इसे अच्छी तरह से हम फेंट देंगे। ये बिल्कुल ताज़ा दही है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम नमक मिक्स करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। इसे इसका टेस्ट 1/2 छोटी चम्मच हम सेंधा नमक डालेंगे। इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। साथ ही हम 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें ये जो गाजर हमने ठंडा होने के लिए रखा था ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे। गाजर को हमने डाल लिया है। साथ ही इसमें हम कटा हुआ धनिया को थोड़ा सा ऐड करेंगे। साथ ही भुना हुआ जीरा और गोल मिर्च पाउडर को 1/2 छोटी चम्मच ऐड करेंगे। उन्हीं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है देखने में। बहुत ही सुंदर और टेस्टी लगता है इसे खाने में। आप इस तरह से एक बार बनाइए, खाइए, खिलाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।